एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ जय आदिनाथ वंदे मातरम। आज हम देख रहे हैं कि कांधारी ने दुर्योधन को क्या कहा। आपको मैं बता रहा था कि जिस वस्तु का निरंतर संचालन होता है, उस संचालन को, उस क्रिया को जो रोक देता है, उस क्रिया को रोकने के बाद संचालन की शक्ति व्यय को जो रोक लेता है, वहां वो शक्ति अनंत गुना बढ़ के साधारण शक्ति दिव्य शक्ति के रूप में और दिव्य शक्ति महाशक्ति के रूप में, और भी उसको अगर संचालन को रोकते जाए तो वो महाशक्ति परम शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। किस प्रकार? हाँ, तो व्रत करना क्यों महाराज? आप लोग तो कभी ना कभी फलाहारी व्रत किए होंगे अपने जीवन में। जैन लोग जितने भी बैठे हैं वो उपवास करते हैं। हमारे जैनों में पूरे दिन भूखे रहते हैं, खाली गर्म पानी थोड़ा लेते हैं। सनातन धर्म के लोग थोड़ा फल फूल खाते हैं। ये सब क्यों करना महाराज? व्रत से क्या होगा महाराज? शंकर जी प्रसन्न होंगे। अगर मेरा व्रत शंकर जी तक नहीं पहुंचा तो क्या करूं महाराज? माता जी का नवरात्रि में फलारी किया 9 दिन, माता जी ने मेरे व्रत को सुना नहीं तो क्या होगा महाराज? आज आपको बताऊं कि व्रत क्या करता है, आप ये समझ लोगे तो कांधारी की आंख की शक्ति दुर्योधन को अजय कैसे बनाता है ये समझ लोगे। क्योंकि कांधारी आंख में शक्ति को रोक के रखी है। आंख खोलते हो ना आप नींद के समय, छोड़ के आपको बोले कि आंख बंद करके बैठो, कितना भी जगह पसंद का नहीं हो, आप कई जगह ऐसे जाते हो पसंद नहीं आता, अरे जल्दी निकलो यहां से, पसंद नहीं है, आंख बंद करके बैठ सकते हो ना? बैठे कितना भी पसंद नहीं हो, आंख का काम है देखना। देखा तभी तो मालूम पड़ा कि पसंद नहीं है। अगर देखता ही नहीं तो काई पता पड़े कि भाई पसंद है ना पसंद नहीं है। ये देखने का काम करता है। काम का देखो, दरवाजा है क्या? कोई भी आवाज घुसता रहता अंदर, ये अंदर जाता आवाज, दृष्टि बाहर जाती है। ध्यान रखना, आउटगोइंग हो या इनकमिंग हो, समझ गए? आउटगोइंग हो या इनकमिंग हो, शक्ति खर्च होती है। जियो वाला भले आउटगोइंग काल को फोगट में कर सकता है, प्रकृति कोई भी चीज को फोगट नहीं कर सकती। जियो वाले अंबानी जी को उसके बाप धीरू अंबानी ने बहुत दे दिया तो बोलता है कि इनकमिंग कॉल्स फ्री। क्या बोलता है? ये मोबाइल में संभव हो सकता है, लेकिन आप जब भी नींद में करवट बदलते हो प्रकृति में उसका भी कोई ना कोई असर पड़ता है। ध्यान रखना, आप उंगली हिलाते हो उसका एक असर पड़ता है। आपके यहां से कोई शक्ति ग्रहण होती है तो बाहर से किसी शक्ति में कमी आती है। आप किसी शक्ति को बाहर छोड़ते हो तो अंदर से आप में कोई शक्ति की कमी आती है। समझ रहे हो? जब आप कान से सुनते हो तब आवाज अंदर आता है कि नहीं? जब मुंह से बोलते हो तो आवाज बाहर जाता है कि नहीं जाता है? ये आउटगोइंग है ना, ये इनकमिंग। अभी आज अच्छे से समझ आ रहा महाराज? आप बढ़िया समझा रहे हो महाराज, आप ऐसे ही समझाओ ताकि हमको समझ आए। क्योंकि हम श्रवण कीर्तन भजन नवदा भक्ति भूल गए। इनकमिंग आउटगोइंग बोलो, हाँ बढ़िया समझ आ रहा। कलयुग में व्यक्ति को उसके ढंग से समझाना, शास्त्र कहता है कि गाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। शास्त्र क्या कहता है? गाय विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ गाय ऐसे होते हैं आप गीत गाओ तो ही दूध देते हैं। आप गीत गाओ देखो तुरंत उसका स्तन खुल जाएगा। आप 1000 कोशिश करो रखड़ो स्तन पकड़ के दूध नहीं देगा। जैसे ही आप बोलोगे मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो और न कोई, तुरंत स्तन खुल जाएगा, दूध बहने लगेगा। अब ये गाने से दूध देता है उस जीव को हम क्या करना चाहिए महाराज? गाना पड़ेगा। अब कोई गाय ऐसा है जो गावो दूध नहीं दे रहा, फिर मालूम पड़ा कि इसके सामने हाथ पैर उठा हो तो ये दूध देता है। अब उस गाय को क्या करना पड़ेगा? तो आज के युवाओं को मैंने देखा है कि धर्म की बात को धर्म के स्केल में दो, यानी धर्म के मापदंड से दो तो इनकी बुद्धि में नहीं घुसती है। धर्म को भी विज्ञान के रूप में दो तुरंत इनके दिमाग में घुसती है। तो इनके दिमाग में घुसाना ही मुझे जरूरी है, भले किसी भी भाषा में घुसा हो, वो इनकमिंग कोई आउटगोइंग भाषा हो या कोई। वैसे भी युवा पीढ़ी
भी सुधर जाए, क्या हो? बूढ़ों की मुझे चिंता नहीं है, मरगट बुला रही है, जाओ। हाँ, मैं भी जाऊंगा। इसमें क्या है? जिनके रंग सफेद हो गए हैं, ये सफेद कैसे हुए महाराज? इलेक्ट्रिक बिल का टाइम होते एक बिल आता है कि नहीं भाई? आज तारीख आ गई, तुरंत घर पर एक चिट्ठी आती है, क्या लिखा होता है उसमें? हाँ, पानी का बिल का जैसे ही महीना हुआ एक कागज आता है कि नहीं? बैंक से भी कागज आते हैं कि नहीं? तो ईश्वर से कागज आता है, अब तू मेरे पास आने का टाइम हो गया, चेत जा, वो कागज ही ये सफेद बाल है, ध्यान रख ले तो कल्याण। बेटा संसार में ही रगड़ फ्यूज कट, बिल आ गया फिर भी भरा नहीं, उसका क्या होगा? आप भी बताओ, बिल आ गया फिर भी भरा नहीं, उसका क्या होगा? आप बताओ। तो जिस जिसके ऐसे ही संसार में ही रगड़ता रहा भाई, ऊपर से बुलावा आया फिर भी संसार में रगड़ता रहा, उनका कनेक्शन कट हो गया। कनेक्शन कट यानी महाराज उनको रोते रोते मरते आप देख सकते हो, हॉस्पिटलों में बेहोश होके मर के देख सकते हो। ईश्वर का कौन महाराज? अंतिम समय में भी आराम से परिवार का हाथ लेते हुए, उनको भी आशीर्वाद देते हुए, ऊपर वाले का भी प्रज्ञा के साथ आशीर्वाद लेते हुए जो जाता है वो ईश्वर का बेटा। बड़े बड़े धर्मात्माओं को हमने देखा महाराज, बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बहुत बड़े महापुरुष कहलाते हैं। हॉस्पिटल में इधर दो नलियां पड़ी है, इधर एक नली घुस गई है, पीछे से एक नली, डॉक्टर बोलता है कि टट्टी निकलने के कारण पेट में भर गया, इनिमा देना पड़ेगा, पेशाब निकल नहीं निकलने के कारण अंडकोश सूज गए, उधर नली घालना पड़ेगा, खाना नहीं जा रहा इसलिए नाक में नली घालना पड़ेगा, हवा नहीं जा रहा भूंगला घालना पड़ेगा। अब इतनी जगह नली डाली तो लोग कहते हैं कि यह पूर्व पाप होगा, बेचारे बड़े धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो नहीं जो पूर्व पाप और नए पुण्य का हिसाब लगाता है, इस जन्म में योग क्रियाओं से शरीर को पूरी तरह सचेत कर लेता है। जो योग से जगा हुआ शरीर हो वो हॉस्पिटल में जाके कभी मर ही नहीं सकता, वो शरीर तो मस्त हो जाता है। धर्मात्मा भाई दानी है, आप दानी हो क्या? अपने तक रखो, दान बोलने जैसी बात नहीं है, आप दानी हो, ये बहुत बड़े दानी है। बेचारे देखो क्या कर्म आया, हॉस्पिटल में ही हूं एकदम, 30 दिन कोमा में पड़ के मरे। आप लोग बोलते हो कि नहीं? दानी बाद में बनना, आप लोग दानी बाद में बनना, धर्मात्मा बाद में बनना। योगी भवो अर्जुन, गीता क्या कहती है? हाँ, तो ऐसे योगी नहीं, महायोगी हट योगी बन जाओ, कम से कम इतना ये शरीर जग जाए कि कभी हम सोच के भी जग ना पाए, ऐसी गति ना आ जाए। हम जगते जगते ऊपर जाएंगे तो जगते जगते जगन्नाथ हो जाएंगे, ये ध्यान में। नहीं आई तो मरते मरोगे तुम लोग, ध्यान रखना। गौस में गाय में कितना दान दिया बाद में देखना, खुला बोलता हूं। मनुष्य स्वयं की स्वतंत्र मोक्ष के लिए जन्मा हुआ है मनुष्य बन के, लेकिन उसमें उपकर्म है, गौशाला में दान, दूसरा दान, परिवार का सार संभाल। मरते समय जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, हरि नाम की हो जाया, मन में न हो वे माया, आनंद से भरा हो काया, तब प्राण तन से निकले। तब कब प्राण तन से निकले? आनंद से मस्त हो, जा रहा हूं बेटा बाय बाय। आज तक आप जब भी बाहर निकले घूमने के लिए रोते रोते निकले? तो मरते समय क्यों रोते हो? क्योंकि भान नहीं है कि मर के भी और जन्म बाकी है, मर के भी मैं मरने वाला नहीं हूं, मर के तो एक दूसरी और शरीर मिलेगी। समझो भाई, जो बुढ़ा है एकदम लंगड़ा तड़प रहा है, शरीर नहीं चल रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है, उसको एक ताजा शरीर मैं दूं तो लेगा कि नहीं? वो ताजा शरीर लेने ही मर रहा है। अब समझ आ जाए कि ताजा शरीर मिलने वाला है तो इस शरीर को छोड़ते समय रोना नहीं होगा। और शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, इसमें कितने लोग हो जो व्यायाम करते हो, योग नहीं करो तो भी व्यायाम कम से कम करना। व्यायाम क्या करता है? हड्डियों में बल देता है, नसों में शक्ति देता है, खून का प्रवाह को बराबर रखता है। जो लोग खाली खा खा के बैठे, देखो ये मेरा पेट, कई लोग बोलते महाराज का पेट चाहिए, कुंभक पेट है। क्या है? खाने का पेट नहीं, सुबह से अन्न नहीं लिया हूँ। आप ध्यान रखना, 5.5 से 6 रोज आधा घंटे में जो लेना, पहले पीछे कोई दूध या कोई पदार्थ नहीं लेते,
आधा घंटा ही जो आदमी जीवन में 24 दिन घंटे में एक बार खाता होगा उसका पेट इतना बड़ा होगा, तो 11 लीटर हवा इसमें फुलाते हैं योग साधना में, कितना और रोक के रखते हैं, ये गुब्बारा है हमारा पेट नहीं। पेट गुब्बारा हो जाएगा, मरते समय डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां इतनी हवा है कि 72,000 नाड़ियों को खोल देता है, मरते समय बेहोशी नहीं आएगी। नहीं तो इधर नली लगी, इधर नली लगी, हम इधर उधर नली लगाने के लिए नहीं, प्रभु की चरण रूपी नली को पकड़ के पार पाने के लिए। तो आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, आप सब मेरे बच्चे हो, किसी भी उम्र के हो, संतों के सामने उम्र आपका मायना नहीं रखता, मैं आपसे निवेदन करता हूँ रोज व्यायाम करो। व्यायाम में समझ लोगे आप कि आपकी शरीर की ऊर्जा को ये संसार का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। एकदम मरते समय ये ढीले पड़ गए, बेटा का आके उसको दवाई दे रहा है, बहू आके सामने खड़ी है, वो यूं पड़ा पड़ा ध्यान रखना ध्यान रखना। अब वो सोचे कि वो बोल रहा होगा बाप के राम जी का घर में जो मंदिर है उसका ध्यान रखने बोलता होगा, अच्छे से पूछे कि क्या ध्यान रखना, अरे वो नए चप्पल लाए उसका ध्यान। तो जिसमें साधना नहीं होगी वो चप्पल का ध्यान रखेगा, ध्यान रखना, जिसमें साधना नहीं होगी वो चप्पल में ही ध्यान रखता रह जाएगा है? और जिसमें साधना आ गई वो चप्पल में नहीं ईश्वर के खप्पर में ध्यान रखेगा। रखा जाता है, तो आप समझ के थोड़ा शरीर का साधो, अभी से साधोगे तो देखो दिवाली आने के 15 दिन पहले से ही फटाके कपड़े सब खरीदने लगते हो कि नहीं भाई, घर में शादी हो तो एक महीना पहले से मेहंदी पाउडर तक का चीज देख लेते हो कि नहीं भाई, ये सब आ गई कि नहीं भाई, बराबर व्यवस्था हो गया, कहीं कमी पैसी, कपड़े को 2 बार पहन के भी पहले ही ट्रायल चेकिंग भी होता है, और ये सब होना जरूरी नहीं, 2-4 कवारों को भी मैंने देखा है जिंदगी भर कवारे हैं, हो सकते हैं कि नहीं बताओ, 1-2 ऐसे हैं जो कवारे हो गए। शादी होना ये गारंटी नहीं है, मरघट में जाना ये गारंटी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो गारंटी की चीज है उसकी तैयारी व्यवस्थित कर लोगे तो जाते समय वीसा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, वो माल नहीं है, टिकट नहीं है, रोने का नौबत नहीं आएगा, वो ऊपर वाला इमिग्रेशन वाला ऐसा मारेगा थक्का के आराम से पहुंच जाओगे, ये ध्यान रख लो तो कल्याण। तो मनुष्य जन्म अनमोल है, मिट्टी में मत गोल है, क्या मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत गोल रे। तो मैं ये कह रहा था कि योग साधन, योग साधन मेरा पूरा शरीर ही कम वजन का, शरीर में वजन नहीं पेट में वजन, कुंभक करना सीखो थोड़ी देर हवा, लेकिन योग्य गुरु के साथ रह के सीखना, अपने मनमानी करने लगोगे हवा इधर उधर घुस गई तो माइग्रेन आएगा, साइनस आता है, जो ध्यान साधना सीखने गए जिंदगी भर माइग्रेन आया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, साइनस हो जाता है, क्योंकि हवा जिस जगह से जानी चाहिए बदल के जाएगी, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी की हवा अगर विकृत हो गई तो शरीर बीमार पड़ जाएगी, और सुधर गई तो जिंदगी भर के लिए अमरता मिल जाएगी, दोनों है। बिगड़ गए तो बिगड़ ही गए। और आपको ये भी बताया, मैं टीवी में सबको बोल रहा हूँ, ऐसे मंत्रों हैं जो 3 बार आप बोलो, सरसों के तेल को मंत्रा लो या कोई भी तेल को फिर लगाओ, 3-4 दिन में जला हुआ घाव फ्रैक्चर कोई भी बीमारी जिंदगी भर का, देखो 25 साल से घुटने का दर्द है तो दवाई लगाओ 25 साल नहीं लगेगा, 25 मिनट के अंदर जिंदगी भर के लिए घुटने के दर्द ठीक हो जाए, ऐसे भारतीय तंत्र शास्त्र में स्वयं पठित सिद्ध मंत्र है, वो आपके हाथ में नहीं होने से दुखी हो, मनुष्य समाज के हाथ में ये चीजें होनी चाहिए जो स्वयं का रोग का इलाज स्वयं करें। तो डॉक्टर लोग तुम्हारे से लाखों रुपया एक्सरे के ECG के स्कैनिंग के नाम से लेते हैं। वो तो लेते ही है, फिर मेडिकल शॉप में भी ये कमीशन का दवाई ज्यादा क्यों लिखना महाराज, मेडिकल शॉप से 60-80 सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, आज भी सेवा के भाव से 1 रुपया लेके ट्रीटमेंट करने वाले सर्वोत्तम डॉक्टरों को भी मैंने देखा, दुनिया में सब अयोग्य भी नहीं है ना, दुनिया में सब उत्तम भी नहीं है, तो कहाँ उत्तम है वो ढूंढ के जाना। कल मैंने आपको बोला, कल दोपहर में कौन थे यहाँ, मैंने बोला कि भाई आए हो तो अपने काम में लगो, कल क्या बोला, आए हो 3 दिन के लिए
या भोजन कैसे मिल रहा है, कमरा कैसा, ये सब मत देखो। भोजन तो जिंदगी भर मिलेगा, कमरा जिंदगी भर मिलेगा, अच्छा हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। या तीन चीज देखनी है, मुझे क्या पाना है। और कहीं भी जाओ तो संतों को भी परखना, अंधधुंध विश्वास नहीं करना। आपको एक बात खास कह दूं, संतों को परखे बगैर उनकी भजन नहीं करना। संत स्त्री से दूर है क्या? स्त्रियों को देख करके उसके मन में मात्र मातृभाव आए, इतना उच्च कोटि का बुद्धि आया या नहीं। हर एक का पैर पकड़ने लगोगे तो कोयले में हाथ डाले हो जैसे खाती काले होंगे। हर आदमी संत नहीं हो सकता। अगर मैं खुला कहता हूं कि हर आदमी डॉक्टर नहीं है, तो ये भी कहना पड़ेगा कि हर आदमी संत नहीं है। समझ रहे हो? दो चीज देखना। बसंत विजय जी महाराज के पास आए, भक्त दान दे रहे हैं यहाँ, तो महाराज उन सबको मंदिर बनाने में काम काज में लगा रहे हैं कि कहीं बैंक में बैलेंस तो बना के नहीं रख रहे हैं महाराज, अपने काम में तो नहीं ले रहे। ये ध्यान देना, आप ये काम आपका है। अगर आप ये नहीं करोगे तो संत बिगड़ने की संभावना। आपको दो ही चीज देखनी, कहीं भी मठ में जाओ, आश्रम में हमारे पास आ रहे हो, तो संत वासना वृत्ति से दूर है या नहीं। किस चीज से? किसी भी स्त्री को देखो, आ बेटा, ऐसे बोलने की ताकत रखता है कि नहीं। खाली बोलने से नहीं, कई लोग तो बेटा बेटा बोल के कंधे में हाथ डाल दे। ये एक नौबत है नया, कैसे मालूम पड़े? वही ढूंढो तो मालूम पड़े। इसलिए कैसे मालूम पड़े? ऐसे फंक्शन में तीन दिन आके आप सब जान लोगे, दो महीना, पांच महीना, चार महीना संत चरण में रहो। पाप छुपाए छुपे नहीं, छुपे तो मोटी बाघ, दाबी दूबी नहीं रवे रुई लपेटी आग। छुपा के नहीं रख सकते, यहाँ काम वालों के मुंह से भी निकल जाएगा। महाराज तो बड़ी बड़ी प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन रात में कुछ अलग बात है भाई, आपको सुनने मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा महाराज? कि कुछ दिन सेवा करो ने, तो सेवा में सब पता चल जाएगा। सेवा में कोई ना कोई तो बोल ही देगा, क्योंकि यहाँ भी 200 लोग कृष्णगिरी में रहते, तो 200 लोग 20 साल से रहते, उनसे छुप के कुछ हो सकेगा? क्या छुपा लोगे? तो कहीं जाओ तो संतों की पवित्रता का ध्यान दो, ज्ञान का नहीं। मैं कहीं रट पढ़ के आ गया तो खूब प्रवचन कर सकता हूं, प्रवचनों से संतों को देख के जो खुश हुए वही साधु आज जेल में पढ़ के सड़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रवचन से विचार है। में रिजो मत, उनकी संस्कार और चरित्र से रिजो। चरित्रवान संतों की सेवा करोगे तो उनकी चरित्र की कृपा आशीर्वाद बन के आप पर बरसेगा। एक तोते को अगर आप सिखा देते हो राम राम रटना, तो क्या वो राम राम रटना नहीं सीखेगा? तो राम राम तो रटने वाला तोता क्या संत हो गया है? रटने वाले नहीं, जीने वाले। राम का जीवन जिए वो संत है, राम का रटन रटे वो संत नहीं। कथा सुनने जाओ, समझ लो कि कथाकार है, बढ़िया सुना रहे, कोई जरूरत नहीं है उनके सम्मान करने की। सम्मान उनकी कथा की है, उनकी नहीं। लेकिन संतों की सम्मान इसलिए होती है कि वो चरित्रवान पुरुष है, उनकी सम्मान होनी चाहिए। चरित्र कृष्णगिरी आओ, कभी भी दो ही चीज देखना, संत गड़बड़ाए तो नहीं है, संत कहीं पैसा लेके अपने अंदर थैली में तो नहीं डाल रहे हैं, ये दो चीज। तीसरी चीज, मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए वो मैं पा के जाऊं, ये विवेक, ये भी साथ होना। खाली संत को ही देखते रह गए और आप खुद ढीले रह गए तो इधर आया हुआ फायदा नहीं। लेकिन इधर आके संत को परखा नहीं तो भी फायदा नहीं, गलत जगह जाओगे तो नुकसान होगा, सही जगह जाके भी पाओ नहीं तो भी नुकसान होगा। तो कहां गए हो? वहां पा के जाऊं, ये विवेक। और जहां पाने गया हूं वो पाने देने योग्य है या नहीं, ये विवेक। ये दो विवेक आ गया तो आपके जीवन में संत कृपा ऐसी बनेगी कि संत ही बसंत बन के आपके जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो कल हम देखेंगे कि आगे क्या बात करनी है। जय हो माँ भवानी।